जय हिंद, आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। एक मिनट पहले की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत, घर में घुसकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 महिलाओं और 6 पुरुषों की मौत से दहला देश। बकरीद के आसपास के दिन की घटना, मजा हड़कम, पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान, पोस्टमार्टम करवाया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शादी संबंधित विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने एक ही परिवार के 9 लोगों की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि वारदात मलाकांड जिले के बटकेला तहसील की है। 3 महिलाओं और 6 पुरुषों समेत एक ही परिवार के 9 सदस्यों की सोते हुए रिश्तेदारों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर हत्या कर दी। उन्होंने घर में घुसने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक इस नृशंस हत्याकांड के लिए शादी से संबंधित विवाद था और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूचना मिलने पर प्रांतीय अर्धसैनिक बल मौके वारदात पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बटखेला अस्पताल भेजा। कातिलों को पकड़ने के लिए जिले से निकलने और प्रवेश करने के सभी स्थलों को सील कर दिया गया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहम्मद अजम खान ने पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, आरोपियों को इंसाफ की कटघरे में खड़ा किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाएगा। खबर है कि पुलिस ने गोलीबारी को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि परिवार का अपना दामाद भी फायरिंग में शामिल था और मरने वाले 9 लोगों में उसकी पत्नी भी शामिल थी। शवों को अस्पताल भेजने के बाद परिवार के बाकी सदस्यों को सौंप दिया गया। कथित तौर पर मलकंद के निवासियों ने पीड़ितों के शवों को सड़क पर के बीच में रखकर जघन्य गोलीबारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।